दोस्तों इस वीडियो में पांच जानकारी दी जाएगी और वो सबसे सुंदर और अच्छा बेहतरीन होगा शरीर के लिए। तो स्वस्थ रहना है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। सवाल नंबर एक, दुबले पतले लोगों को सेहत बनाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसमें अच्छा जानकारी दी गई है। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है दुबले पतले लोगों को हॉर्लिक्स जूस खाना चाहिए, मौसमी का जूस खाना खाने के बाद पीना चाहिए, गाजर पालक और हरा साग सब्जी जरूर खाना चाहिए और दाल दलहन खाना चाहिए। सेहत अच्छा बन जाएगी तुरंत 1 से 2 महीना में। दोस्तों सवाल नंबर दो, रतौंधी की बीमारी किसको ज़्यादा पकड़ लेता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है जो लोग टमाटर का सेवन कम करते हैं उन्हीं लोगों को रतौंधी की बीमारी पकड़ लेता है। दोस्तों एक बार जिनको रतौंधी की बीमारी पकड़ लेता है, रतौंधी वही होता है कि रात के समय में दिखाई कम देना, तो उनको क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम अगले सवाल में बताते हैं। दोस्तों सवाल नंबर तीन, रतौंधी की बीमारी हो गई है तो क्या करना चाहिए उसको। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है टमाटर का जूस सुबह शाम सेवन करना चाहिए और रतौंधी की बीमारी जो है वो पकड़ लेता है ज़्यादा, समझिए कि प्रदूषण वाला काम करने से, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रदूषण बहुत खराब होती है। सवाल नंबर चार, जुकाम कैसे ठीक होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हरदम अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और मिलती रहेगी आप लोगों के पास तक। दोस्तों इसका सही आंसर है काली मिर्च दही के साथ खाना चाहिए, गुड़ के साथ शाम के समय में खाना चाहिए, तो आपको जो है ये बीमारी से तुरंत छुटकारा मिल जाएगी। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान में रखें। सवाल नंबर पाँच, अपरस और एक्जिमा कैसे ठीक होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अपरस जो है हाथों में हो जाती है, कभी कभी चमड़ी जो है उभरने लगता है। दोस्तों इसका सही आंसर है तरबूज के छिलके को सुखा लेना है धूप में और उसका भस्म बना लें, यानी जला करके राख बना लें, उसके बाद में नारियल के तेल में मिला करके हाथों पर रोज मालिश करें, उसके बाद में शाम के समय में या सुबह के समय में अपना मूत्र जो है वो अवश्य लगाएं, आपको तुरंत लाभ होगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहें।